जय श्री कृष्णा। स्टैटिस्टिक्स में आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कुछ बुक्स में स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, सांख्यिकीय माध्य नाम से चैप्टर दिया गया है। यहां मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह चैप्टर पूरी स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए एक बुनियाद, एक नींव, एक फाउंडेशन है। जैसे बिना फाउंडेशन के हम कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, वैसे ही स्टैटिस्टिकल एवरेजेज की नॉलेज के बिना हम स्टैटिस्टिक्स में आगे आने वाले कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स ना तो कैलकुलेट कर सकते, ना हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दे सकते। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप अधिक से अधिक समय इस चैप्टर को देखने और सुनने व समझने में लगाएं। जीवन में एक बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको ये कहेंगे कि बेटा या भैया, आपको कॉन्सेंट्रेट होकर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। मैं जिस भी कॉलेज में रहा, उस कॉलेज में कई कई बार स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में 100 आउट ऑफ 100 स्टैटिस्टिक्स के पेपर में आए मार्क्स। मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं अपने एक्सपीरियंस का लाभ दे सकूं। चैप्टर शुरू करने के पहले आपसे एक बात कहनी है। आप लोग जैसा जनरली आदत होती है, YouTube पर जाते हैं, चैनल खोलते हैं,
को अभी ना देखकर और उस वीडियो को बंद कर देते हैं। हम्बल एडवाइस है आपको मेरी कि कम से कम आपका और मेरा जो रिलेशन इनडायरेक्ट बन रहा है, आप मेरे वीडियो पूरे देखें, आपसे दूसरी बात ये कहनी है कि आप वीडियो को लाइक करें। मैं अपना पूरा मन दिल लगाकर आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, स्टडी करवा रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं। तो क्या आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये स्टैटिस्टिकल एवरेजेज क्या है? जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टेड डेटा को प्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज में, तो वो स्टैटिस्टिकल सीरीज हमें वो बात नहीं बता सकती है जिसकी आवश्यकता है। आपने एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कलेक्ट किए, आपने डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज बनाई और प्रेजेंट कर दी। मेंटल लेवल उस क्लास के स्टूडेंट्स का कैसा है ऑन एन एवरेज, वो सीरीज कदापि नहीं बता सकती। स्वाभाविक है कि आपको कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी जो उस पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज का रिप्रेजेंटेशन कर रही हो। यह जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, यही स्टैटिस्टिकल एवरेज होगा। लोअर क्लासेस में अंक गणित आपने जब पढ़ी, अर्थमेटिक, उसमें एक चैप्टर आता है औसत, एवरेज। सोमवार से शनिवार 6 दिनों में अलग अलग दिन की वर्षा दी हुई है, बताइए औसत वर्षा कितनी हुई? हम किसी नतीजे तक उस औसत वर्षा के से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो औसत वर्षा, एवरेज रेनफॉल, पूरे 6 दिनों का प्रतिनिधित्व कर रही है, पूरे 6 दिनों की वर्षा का
प्रतिनिधित्व कर रही है। लगभग ऐसा जो मूल्य है वह स्टैटिस्टिकल सीरीज के सेंटर में होता है, इसलिए इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अधिकांश मूल्यों का झुकाव केंद्र की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। औसत के रूप में इसे ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहलाते हैं। और चूंकि ये जितने ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में हैं, जितने इंडिविजुअल डेटा हमारे पास में है, उनका रिप्रेजेंटेशन वो अकेला कर रहा है, इसलिए वो वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि मूल्य भी कहलाती है। मोस्टली बुक्स में इन्हें स्टैटिस्टिकल एवरेजेज ही कहते हैं, और कई जगहों पर यह एवरेज काम में लिया जाता है। कॉमर्शियल फील्ड में जैसे बाटा कंपनी है, आप जाते हैं, आप 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर के शूज मांगते हैं, दुनिया भर की वेराइटीज मिल जाती है। आप 10 या 11 नंबर के शूज मांगते हैं तो वो 1-2 वेराइटी दिखाकर ही कह देता है ये एबनॉर्मल साइज है। रेडीमेड गारमेंट्स में 32-34 नंबर साइज में शर्ट, टी शर्ट, बनियान आदि दुनिया भर की वेराइटीज मिल जाती है, लेकिन आप कहते हैं 50 नंबर वाला शर्ट है क्या? मोस्टली शॉप्स पर वो मिलेगा ही नहीं, और अगर किसी शॉप पर मिला तो भैया ये 2 पीस है, आपकी इच्छा हो तो ले लो, नहीं रहने दो। ये क्या है जो बाटा कंपनी के शूज बनाने वाला है वो ये मालूम करता है कि एवरेज साइज क्या रहती है? जो रेडीमेड गारमेंट्स में शर्ट, टी शर्ट, जींस बनाता है तो वो मालूम करता है कि किस जींस का, किस शर्ट का, किस टी शर्ट का प्रोडक्शन वो सबसे ज्यादा करे, क्योंकि एवरेज साइज एक आदमी के लिए जो उनके ग्राहक है क्या हो सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस सभी एवरेजेज की अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से होती है। एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री पर कैपिटा इनकम निकालता है, एक अरब 30 करोड़ की जनसंख्या हमारी कंट्री की है लेकिन पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय 1 दिखाई जाती है। जो हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सभी नागरिकों की आय का प्रतिनिधित्व करती है, वही स्टैटिस्टिकल एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी या प्रतिनिधि मूल्य होती है। चाहे साइंस फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक्स का फील्ड हो, चाहे सोशल साइंस का फील्ड हो, हर और चाहे कॉमर्शियल फील्ड हो, हर फील्ड में स्टैटिस्टिकल एवरेजेज की अपनी अलग एक पहचान, अपना एक अलग रोल, अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। हम इस वजह से और स्टैटिस्टिक्स में आगे जब आप डिस्पर्सन स्क्यूनेस, कॉरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस एसेट्रा एसेट्रा आगे जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सर ने कहा था वह सही था कि इस चैप्टर में जितनी ताकत आप इसे समझने में लगा सकते हैं आप अपनी पूरी ताकत इसे समझने में लगाए, और हर बुक में
मैं सोचता हूं एटलीस्ट 150-200 न्यूमेरिकल्स जरूर होंगे, आप उनसे 2x, 3x, 4x न्यूमेरिकल्स करें, मैं आपको उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर तरीका और टिपिकल जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो सब यहां हम अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। यहां अगला जो टॉपिक इसमें हमने लिया है वो है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, अर्थात सांख्यिकीय औसत कितने प्रकार के होते हैं। इनका जो बेस लिया हमने वो एक बेस पोजिशनल एवरेजेज का है, दूसरा बेस मैथमेटिकल एवरेजेज है और तीसरा बेस बिजनेस एवरेजेज है। आप पाएंगे कि जो पोजिशनल एवरेजेज है उनमें पहला एवरेज है मीडियन, जिसे हम हिंदी में मध्यका कहते हैं, दूसरा एवरेज है मोड, हिंदी में भुइष्ठक या बहुलक कहते हैं। केवल ये दो पोजिशनल एवरेजेज है। मैथमेटिकल एवरेजेज में चार एवरेजेज को शामिल किया जाता है, पहला अरिथमेटिक एवरेज और मीन समांतर माध्य, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, तीसरा हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, चौथा क्वाड्रेटिक मीन जिसे वर्गीकरण माध्य या द्विघातीय माध्य भी इसे कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमने बेस लिया है वो है बिजनेस एवरेजेज। बिजनेस एवरेजेज में मूविंग एवरेजेज, जिसे हम चल माध्य कहते हैं, प्रोग्रेसिव एवरेजेज प्रगामी माध्य होते हैं और कंपोजिट एवरेज जिसे हम संग्रंथित माध्य कहते हैं। मैं आपको बता ही दूं, ग्रेजुएशन लेवल पर आपको मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का अच्छा नॉलेज करवाया जाता है। फिर आप पूछेंगे कि सर बाकी का क्या है, तो अगर थ्योरी का क्वेश्चन आपके आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, तो आपको इन सबको लिखना पड़ेगा। एक तो यह कारण है सबको ध्यान में रखने का, दूसरा है कि अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस देते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, वहां पर इनके बारे में पूछा जा सकता है। एक जो बिजनेस एवरेज है मूविंग एवरेज, ये आप जब स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो डिटेल में कैसे मूविंग एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है आपको वहां बताया जाएगा। यहां हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। मेजर फोकस जो अपना होगा वो फोकस होगा मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब आप इधर आ जाइए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सबसे पहले अर्थमेटिक एवरेज और मीन हमने लिया है। आप अगर मेरे सामने रूबरू बैठे हुए होते तो आप मुझसे ये क्वेश्चन करते कि सर मीडियन और मोड पहले था, फिर आपने अर्थमेटिक मीन क्यों लिया? इसका जवाब यह है कि हमेशा ध्यान रखिए सिंपल से टिपिकल की तरफ जाया जाता है। सबसे सरल जो कैलकुलेशन है वो
अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज का ही होता है, इसलिए हमने पहले मैथमेटिकल एवरेजेज में अर्थमेटिक मीन को या एवरेज को लिया है। यहां हम आपको बता दें कि अर्थमेटिक मीन या एवरेज दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम सिंपल अर्थमेटिक मीन कहते हैं और एक्स बार से डिनोट किया जाता है, और दूसरा जिसे कि हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं और उसे हम एक्स बार डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट के रूप में डब्ल्यू लगाते हैं, जो इस बात को शो करता है कि वो वेटेड मीन है। यहां हमने लिख दिया है अर्थमेटिक एवरेज एक मीनिंग में ये है कि सिंपल एवरेज जो मैथमेटिक्स में निकालते हैं, जैसे पांच बच्चों की पांच स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, उन सभी हाइट्स का टोटल कर ले और उसमें पांच का भाग दे दे, तो जो एवरेज हाइट आती है वही यहां पर अर्थमेटिक मीन होती है। यही सबसे सरल डेफिनेशन इसकी मानी जाती है। दिए गए समंकों में एक अपने दिए गए समंकों में जो मूल्य दिए गए हैं, उन मूल्यों का योग करके उसमें मूल्यों की संख्या का भाग देने पर जो राशि या अमाउंट हमें मिलता है, वही रिजल्ट हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। लेकिन यहां हमने अर्थमेटिक मीन के प्रकार टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ये दो भागों में बांटकर बताया है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एक्स बार सरल समांतर माध्य और वेटेड अर्थमेटिक मीन एक्स बार डब्ल्यू। यहां हम सबसे पहले लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एसएएम का मतलब है सिंपल अर्थमेटिक मीन, और इसे केवल मीन भी लिखा जाता है। जैसे जैसा कि मैंने आपको कहा पहले भी कि हम मीन मोड मीडियन ये पढ़ेंगे, हमारे सर ने कहा है कल से हम ये पढ़ेंगे, तो ये जो मीन है वह सिंपल अर्थमेटिक मीन, ये मीन एक्स बार से डिनोट किया जाता है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो इसके पहले के जो वीडियोस अपलोड किए थे आप लोगों के लिए, उसमें स्टैटिस्टिकल सीरीज को डिटेल में आप लोगों को बताया था, एक एक करके बताया था, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, कंटिन्यूअस क्या होती है, कंटिन्यूअस के टाइप्स क्या होते हैं, और हमने उस समय भी आपको उस चैप्टर में कहा था ये तमाम सीरीज हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, इन इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी में सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यहां ध्यान रखिए कि सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स आपको बुक में मिलेंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसे कि हम प्रत्यक्ष रीति कहते हैं। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लघु रीति कहते हैं। लघु रीति कहते हैं। तो मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट सिंपल अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड काम में लेकर सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, यहां हमने पहला पॉइंट लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ये हमारा एक जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, स्टेप्स या प्रोसीजर हम यहां आपको बताने जा रहे हैं
कि किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल सीरीज में ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें केवल वैल्यूज या आइटम्स दी हुई हो। ये जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर का कोई महत्व नहीं है। केवल ये तो हम इसलिए लिखते हैं कि हमसे कोई डेटा स्किप ना हो जाए, हमसे कोई डेटा छूट ना जाए। मान लो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स है और हमसे 49 लिखने में आ गया, या एक ज्यादा लिखने में आ गया और 51 हो गया, लेकिन यदि हमने सीरियल नंबर या यहां हमने रोल नंबर लिख दिए या स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए हमने, तो ऐसे केस में हमसे गलती की संभावना खत्म हो जाएगी। हमें इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यूज या आइटम्स दी हुई है, पहला स्टेप हम इसे कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। जो भी जैसे भी नंबर्स यहां पर अवेलेबल है उन्हें हम एक्स से डिनोट करेंगे, इन सब का योग लगाएंगे, टोटल करेंगे, जिसे हम कहेंगे समेशन एक्स। जितनी आइटम्स है, जितनी वैल्यूज है, वो उनका योग लगाएंगे, उसे डिनोट करेंगे एन से, और यहां हमारा जो फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। हमें बताना है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। यहां ये जो सिंबल जो ई जैसा लग रहा है इसे हम समेशन कहते हैं, कुछ विद्वान इसे सिग्मा भी कहते हैं, लेकिन यहां हम इसे समेशन के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि सिग्मा या जो दूसरा वर्ड इसके लिए काम में लिया जाता है वह एक अन्य जगह फिर हम काम में लेंगे। यहां हमने लिखा समेशन, समेशन का मतलब होता है योग, और समेशन एक्स इक्वल टू सभी मूल्यों का योग। समेशन एक्स यानी सभी मूल्यों का योग, एन मूल्यों की कुल संख्या। यहां हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट मीन इन द फॉलोइंग सीरीज, और सीरियल नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 है। एक्स 5, 13, 17, 25 इस तरीके से हमने वैल्यूज लिखी है, और इसका आपको डायरेक्ट मेथड काम में लेते हुए एक्स बार ज्ञात करना है। इसके बारे में कैसे ज्ञात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करने का तरीका समझाया है। एग्जाम में आप कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन बाई डायरेक्ट मेथड लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, स्टैटिस्टिक्स में आप ये शब्द ही काम में लेंगे, कैलकुलेशन हर जगह। यहां जिस मेथड से आपने मीन कैलकुलेट किया है या करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम लिखेंगे। अभी आप डायरेक्ट मेथड को यूज करके अप्लाई करके मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा वैल्यूज या आइटम्स जिसे आपने एक्स से डिनोट किया है, ये तमाम डेटा आपने लिखा, इनका सम किया समेशन एक्स इज इक्वल टू 215, सीरियल नंबर एन इज इक्वल टू 10, फॉर्मूला लिखा। आप अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में सबसे पीछे 20-25 पेज छोड़ दीजिए, जहां पर कि आप स्पेशल नोट लगा सके और हर चैप्टर से संबंधित
जो अलग अलग फॉर्मूला बताया जाएगा अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करने के लिए, आप उन्हें लिख सके, जरूरत पड़ने पर डिक्शनरी के रूप में वह आपके काम आएगा। आप याद रखिए कि इनको कंठस्थ करना पड़ेगा। आप गलतफहमी दूर कर लेना कि ये छोटा सा है, आप यहीं से शुरुआत करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स की सबसे अच्छी विशेष बात यह है कि जैसे जैसे आप आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बढ़ेंगे, वैसे वैसे कैलकुलेशन टिपिकल होगा, फॉर्मूला टिपिकल होगा, और आप जीत में तभी रहेंगे जब इन्हें याद करने की एक आदत बना लेंगे। आप एडिक्ट हो जाएंगे फॉर्मूला याद करने के। तो आपने फॉर्मूला लिखा x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, वैल्यूज पुट करी समेशन x 215, n इज इक्वल टू 10, आपने 10 का भाग दिया और फाइनल आंसर आपका आ गया x बार इज इक्वल टू 21.5। सपोज ये वैल्यूज मार्क्स में होती तो आप यहां लिखते 21.5 मार्क्स, अगर ये किलोग्राम में होती तो आप यहां लिखते 21.5 किलोग्राम, अगर मीटर में होती वैल्यूज तो आप यहां लिखते 21.5 मीटर एंड सो ऑन। कुल मिलाकर जो एब्सोल्यूट वैल्यूज जिस यूनिट में होती है आपको उस यूनिट का नाम ही लिखना पड़ेगा। केवल 21.5 लिख देने से काम कदापि नहीं चलेगा। क्योंकि यहां हमने पर्टिकुलर कोई यूनिट नहीं लिखी है इसलिए यहां केवल हमने 21.5 लिखा है। आगे ध्यान रखिए कि हम इसे कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएंगे और उसके आगे फिर स्टडी कंटिन्यू रहेगी। पुनः मैं आपको याद दिला देता हूं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे पूरा देखें, इसके बाद में भी जो वीडियोज हो और इसके पहले के अगर किसी वजह से आप स्टैटिस्टिकल सीरीजेस को नहीं देख पाए हैं तो पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर मैंने ये इंडिविजुअल सीरीज कहां से ली है। आप उन्हें देखें, आप आज का काम आज पूरा करके ही रेस्ट ले, आप आज का काम कल देखेंगे ऐसा नहीं करें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।